friends, today I am going to unbox Boya collar mic, Boya BY-M1 collar mic. My name is Saurabh, you are watching TTCA today. Let's start. सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को खोल लेते हैं. इसके अंदर है एक पाउच, इसके साथ कुछ मैनुअल्स जिसका आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा. और इसमें क्या है देख लेते हैं. इस पाउच में इसमें है एक विंड सील, विंड गार्ड, 1/4 पोर्ट, एक कॉलर क्लिप, एक कॉलर क्लिप जिसको आप शर्ट्स या टी शर्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. इसके साथ एक LR44 बैटरी जो कि हमें इस माइक में इंसर्ट करना पड़ेगा. अब आता है मेन थिंग. तो ये रहा हमारा बोया माइक. काफी लंबा केबल है, लगभग ये 20 फीट का केबल होता है. तो चलिए इसको पहले मैं इसको बैटरी इंसर्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसको आपका साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ. बैटरी को हमने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद इसको इसे लॉक कर देते हैं. अब मैं इस माइक्रोफोन को मेरे फोन के साथ कनेक्ट करता हूं और देखता हूं उसका साउंड क्वालिटी कैसा है. तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को जो मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है वो आ रहा है बोया कॉलर माइक से. तो आपको इसका डिफरेंस पता चल रहा है कि बैकग्राउंड नॉइस एकदम खत्म हो गया है. तो ये माइक काफी अच्छा है. और यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो फिगर बीच में, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक स्विच है जो कि कैमरा और स्मार्टफोन. तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें इसका मोड सेट करना पड़ता है. कैमरा से हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, DSLR या कोई कैमरा यूज कर रहे हैं या स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो इसको हमें सेट कर लेना होता है. और अगर मुझसे इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछा जाए तो, या प्रोज एंड कॉन्स पूछा जाए, तो इसका आंसर काफी आसान है क्योंकि इसका जो प्रोज है वही इसका कॉन्स भी है. इसका जो वायर है ये 20 फीट लंबा है. कहीं दूर कैमरा रख के भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वायरलेस जैसी फीलिंग आएगी. और इसका जो वायर है यही इसका डिसएडवांटेज है. क्यों डिसएडवांटेज है? क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़ा सा उलझ गया तो आउट करने में बहुत समय चल जाता है. तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट माइक है यूट्यूबर के लिए. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम.